क्या आपको पता है हमारे फ्री फायर गेम में इंडियन सर्वर का हाईएस्ट लाइक्ड प्रोफाइल एक्चुअल में है किसका? यहाँ पर वो प्रोफाइल ना तो डैडी कॉलिंग का है और ना ही वी बैज वाले एक्शन बोल्ट का, क्योंकि इस लिस्ट में एक्शन बोल्ट का तो कहीं नाम भी नहीं। एंड यहाँ पर मैं जिस प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ वो ना ही तो वी बैज यूट्यूबर का है और ना ही उसके पास गोल्डन हिप हॉप और सकुरा है, वो एकदम नॉर्मल फ्री फायर प्लेयर का है। एंड आज की वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे, क्योंकि एक ऐसा खतरनाक ग्लिच रिवील करने वाला हूँ जिसको यूज करके आप भी इंडियन सर्वर के हाईएस्ट लाइक्ड प्रोफाइल वाले प्लेयर बन सकते हो। क्या आपको पता है हमारे फ्री फायर गेम में इंडियन सर्वर का हाईएस्ट लाइक्ड प्रोफाइल किसका है? नो डाउट आपके दिमाग में सिर्फ दो नाम आ रहे होंगे, डैडी कॉलिंग और एक्शन बोल्ट। लेकिन सीरियसली हमारे इंडियन सर्वर में फ्री फायर हाईएस्ट लाइक्ड प्रोफाइल इन दोनों का ही नहीं है, एंड एक्शन बोल्ट भाई का नाम तो टॉप 3 की लिस्ट में भी नहीं आता है। अगर मैं इंडियन सर्वर की बात करूं तो एक्शन बोल्ट भाई से भी डबल ट्रिपल लाइक है इस बंदे के, एंड उसका नाम है राठी गेमिंग, जिसकी प्रोफाइल पर अभी इंडियन सर्वर में हाईएस्ट लाइक है। एंड एक्चुअल में मेरे को नहीं पता कि इस आईडी का ओनर कौन है, लेकिन इस आईडी का एक्सेस आई थिंक अभी राज त्रिपल एफएफ के पास है, एंड ये है हमारे इंडिया सर्वर का हाईएस्ट लाइक्ड प्रोफाइल। करंट सिचुएशन में इस अकाउंट पर 380,000 लाइक है, एंड काफी सारे प्लेयर के मन में एक डाउट जरूर से होगा कि भाई इस अकाउंट पर एक्चुअल में इतने ज्यादा लाइक पॉसिबल कैसे है। तो भाई नो डाउट मैं आपको बता दूं, ये बीआर रैंक के रीजन का टॉप 1 का अकाउंट है, यानी कि पूरे इंडियन सर्वर में हाईएस्ट रैंक वाला अकाउंट। अब आपके मन में ये डाउट जरूर से आ रहा होगा कि सेकंड और थर्ड हाईएस्ट लाइक्ड प्रोफाइल किसका है इंडियन सर्वर में, वो बता दूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात का ध्यान रखना कि इस वीडियो में आप लोग को एक ऐसा ग्लिच, आप लोग अपनी प्रोफाइल में सिर्फ 30 सेकंड में 12 लाइक्स कलेक्ट कर सकते हो, एंड आप लोग कैसे अपनी प्रोफाइल को हाईएस्ट लाइक्ड प्रोफाइल बना सकते हो इंडियन सर्वर में, उसका भी एक खतरनाक ग्लिच रिवील करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप कर देख लेना। एंड सेकंड हाईएस्ट लाइक प्रोफाइल जो इंडिया में है वो है डैडी कॉलिंग का, जिनके फ्री फायर अकाउंट पर करंट टाइम पर 379,030 लाइक्स हैं। एंड जो हमारे इंडियन सर्वर का थर्ड हाईएस्ट लाइक प्रोफाइल है वो है गर्ल स्ट्रीमर का, जो फेसबुक पर स्ट्रीमिंग करती हैं, जिनका नाम है रानू गेमिंग, एंड ये अकाउंट भी बीआर रैंक के रीजन पर टॉप 80 के अंदर है। एंड करंट टाइम पर इनके फ्री फायर अकाउंट पे 298,773 लाइक्स है, मतलब जब तक मैं ये वीडियो को यूट्यूब पर पोस्ट करता हूं तब तक इन्होंने अपने फ्री फायर अकाउंट पे 300,000 लाइक का अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया होगा। एंड यू कैन क्लियरली सी कि एक्शन बोल्ट भाई कितने ज्यादा पीछे हैं डैडी कॉलिंग से, तो लगभग 100,000 लाइक, एंड थर्ड पोजीशन से भी कम से कम 10,000 लाइक पीछे हैं। एंड भाई एक लास्ट लाइक्ड प्रोफाइल आप लोग इंडियन सर्वर का हाईएस्ट लाइक्ड प्रोफाइल एक्चुअल में है किसका, वो है एक ब्राजील सर्वर के प्लेयर का, जिसके फ्री फायर अकाउंट में करंट टाइम पर 429,843 लाइक है, एंड ये परसों का रिकॉर्ड है यानी कि 2 दिन पहले का। तो अभी तक इसके लाइक शायद थोड़ा सा बढ़ गया, क्विट कर दिया या फिर इसका अकाउंट सस्पेंड हो गया, क्योंकि यू कैन क्लियरली सी इसकी प्रोफाइल में आप लोग देख सकते हो कि इसने एक भी बोया पास क्लेम नहीं किया है। अब बात कर लेते कि आप कैसे इंडियन सर्वर के हाईएस्ट लाइक्ड प्रोफाइल लिस्ट में अपने आईडी को ऐड कर सकते हो। आपके पास तो कोई वी बैज भी नहीं है, कोई सीजन 1 सकुरा गोल्डन हिप हॉप और कोई रेयर बंडल भी नहीं है। तो देखो, अगर आप भी अपनी प्रोफाइल में हाईएस्ट लाइक्ड प्रोफाइल प्लेयर बनना चाहते हो इंडियन सर्वर में, तो भाई सीधी बात नो बकवास, या तो आप लोग सीएस रैंक या फिर बीआर रैंक के रीजन पुश कर लो, क्योंकि जो इंडिया के प्रोफाइल वाला प्लेयर है आप लोगों ने देखा उसकी आईडी में ना ही तो वी बैच है, ना तो उसके पास गोल्डन सकुरा गोल्डन हिप हॉप और ना ही वो इंडिया का हाईएस्ट लेवल प्लेयर है, लेकिन फिर भी वो इंडिया का हाईएस्ट लाइक्ड प्रोफाइल प्लेयर है। उसने बीआर रैंक में रीजन की टॉप 1 की अचीवमेंट को कंप्लीट किया। तो आप लोग भी कोई ऐसी अचीवमेंट को कंप्लीट करो कि आपका अपोनेंट आपको लाइक देने में मजबूर हो जाए। और अगर तो आप ये सोच रहे हो कि भाई आप सिर्फ 2 या 3 घंटे खेल के इंडिया के हाईएस्ट लाइक्ड प्रोफाइल की लिस्ट में अपना नाम ऐड कर लोगे, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो बीआर रैंक का टॉप 1 का हाईएस्ट लाइक्ड प्रोफाइल है वो है राठी गेमिंग का, जो कि रीजन पे टॉप 1 पे, एंड जो इंडिया का हाईएस्ट लाइक्ड प्रोफाइल है टॉप 2 पर वो डैडी कॉलिंग का, जो क्लैश स्क्वाड रैंक के रीजन पर है। और इसका क्लियर एग्जांपल है कि डैडी कॉलिंग और एक्शन बोल्ट के सेम लाइक थे, लेकिन इस सीजन डैडी कॉलिंग ने रैंक पुश किया तो डैडी कॉलिंग टॉप 2 पर आ गया, एंड एक्शन बोल्ट ने रैंक पुश नहीं किया तो एक्शन बोल्ट का नाम इंडिया के हाईएस्ट लाइक्ड प्रोफाइल की लिस्ट से रिमूव हो गया। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आपके लाइक कम से कम 2 या 3 लाख मतलब टाइम के साथ साथ बढ़ते रहे, तो आप जब भी सीएस रैंक खेलो तो कुछ यूनिक करके खेलो और सबसे कम नेड मारो, क्योंकि भाई जब भी कोई सीएस रैंक में अच्छा नेड मारता है ना तो अपोनेंट या तो नेड तो बिल्कुल मत मारना, एंड अपनी टीम से क्लियर वार्न कर देना, अपने टीममेट्स को क्लियर वार्निंग कर देना कि भाई वो इमोट तो बिल्कुल ना दिखाएं अपोनेंट वाले एनिमीज को राउंड जीतने के बाद या फिर मैच को विन करने के बाद। एंड हां,
हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि CS रैंक में आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिले तो आप लोग एक सेम नेम वाली स्क्वाड क्रिएट कर सकते हो, सेम गिल्ड में रह सकते हो। मतलब जैसे मैं जब भी क्लैश स्क्वाड रैंक कितने भी द यूके गेमर नेम वाली मेरी गिल्ड में प्लेयर्स है, मैं उनको लेकर के खेलूं ताकि सेम नेम वाली एक स्क्वाड अपोनेंट के सामने आ जाए एंड सेम गिल्ड वाले प्लेयर्स आ जाएं, तो भाई ऑब्वियसली अपोनेंट वाले एनिमी की स्क्वाड हमारी स्क्वाड के ऊपर अट्रैक्ट होगी एंड वहां पर अगर हम एक अच्छा गेम प्ले उनके सामने दिखा देते तो उसके बाद भाई लाइक। अगर आप लोग भी CS रैंक में एक दो राउंड हार जाते हो तो उन लोग को भी लाइक कर देना ताकि जब आप लोग राउंड जीतो तो वो लोग भी आपको लाइक कर दें एंड गेम बैक करने पे अपने अपोनेंट वाली टीम्स को एकदम से लाइक कर देना, फिर उनको एक मैसेज चले जाएगा फ्रॉम लाइक दिस प्लेयर एंड वो लोग भी आपको लाइक जरूर से कर देंगे। एंड भाई अगर आप लोग के पास एक अच्छा बंडल है ना, या फिर सबसे बेकार बंडल पहनना, मतलब मीडियम वाले बंडल मत पहनना, या तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बंडल पहनोगे तो वो आपको लाइक करेगा, बट अगर आप लोग एकदम नुबड़ा बन के जाओगे एंड एकदम ओपी वाला गेम प्ले दिखा दोगे तो भाई वो बोलेगा इतना नुबड़ा प्लेयर तो इसको तो वो लोग लाइक की प्रोफाइल पे विजिट करेंगे कि ये नुबड़े का इतना अच्छा गेम प्ले कैसे हो गया, वो देखेंगे आप हैकर तो नहीं हो एंड जहां पर उनको क्लियर हो जाएगा कि आप हैकर नहीं हो तो वो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करके आपको लाइक जरूर से कर देंगे। एंड आप लोग ट्राई करना कि भाई बायो में अनसर्न चीजें लिख करके ना रखो, अपने बायो को एकदम बायो को देख के भी थोड़ा सा अट्रैक्ट हो, अच्छी गिल्ड को ज्वाइन कर लो, अपनी प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन रखना। अच्छी गिल्ड से मेरा मतलब है कि मेरी गिल्ड ज्वाइन कर लो, मेरी गिल्ड में अभी 20 प्लेयर का स्पेस है, गिल्ड यूआईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 60 लेवल होना चाहिए और डेली ऑनलाइन रहना चाहिए। ऑफलाइन रहोगे तो मेरे को किक करना पड़ेगा, इसलिए डेली ऑनलाइन रह के अपना ग्लोरी देके ऑफलाइन चले जाना। अब अगर तो तुम लोग ग्लिच की मदद से अपनी फ्री फायर अकाउंट पर लाइक को इंक्रीज करना चाहते हो तो तुम लोग क्राफ्टलैंड का ये वाला मैप खेल सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब क्राफ्टलैंड के मैप का कोड मिल जाएगा। इस कोड 30 सेकंड में 12 लाइक्स तक प्लस कर सकते हो। फर्स्ट राउंड जैसे आप लोग हारोगे तो आपको अपने सारे एनिमीज को लाइक कर देना है, उसके बाद सेकंड राउंड आपको जीतना है, फिर सेकंड राउंड जब आप जीतोगे तो आपने जितना करेंगे यहाँ पर देख लो मैं डाउन हूँ लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरे को लाइक किया। एंड फिर आप लोग जैसे ही थर्ड राउंड में मैच को कोई भी टीम विन करोगे तो आप लोग गेम बैक करोगे, बैक करते आपको सबसे पहले सबको लाइक कर देना है। जैसे यहाँ पर मैंने सारे टीममेट्स और एनिमी की टीम को लाइक कर दिया एंड यहाँ पर देखना अभी मेरे 3 लाइक्स थे एंड जाते जाते मेरे लाइक यहाँ पर 8, 9, 10 तक हो जाएंगे। आप लोग क्राफ्टलैंड के इस वाले कोड को एक बार ट्राई जरूर से करना एंड एक वीडियो मेरे को हाउ टू यूनिक प्रोफाइल के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए जिसमें आप लोग को वी बैज रेयर बंडल कुछ अपनी प्रोफाइल को कैसे रेयर बना सकते हो, या फिर हाँ क्राफ्टलैंड का जो रैंक है, आप लोग का क्राफ्टलैंड का रैंक अभी प्लस नहीं हो रहा है उसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, इन दोनों टॉपिक में से आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करके मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। एंड रिसेंट की हमारी काफी सारी वीडियोस जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं एंड इसीलिए आप लोग उन वीडियोस को नहीं देख रहे हो, और बाद में जो बंदा मेरे को कमेंट करेगा कि भाई रीजन वाली आईडी की फ्रेंड लिस्ट में ले लो, तो भाई मैं भी तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने में मुझे तड़पाते हो, तो यार अगर तुम लोग भी चाहते हो मैं तुम लोग को नेक्स्ट सीजन अपनी रीजन वाली आईडी की फ्रेंड लिस्ट में ऐड करूं तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रीजन पुश करता हूं, वीडियो क्रिएट करता हूं सिर्फ आपके लिए, अपने लोग का गेम प्ले इंप्रूव करने के लिए, रैंक इंप्रूव करने के लिए, आपका प्रोफाइल इंप्रूव करने के लिए। रोज 7 से 8 घंटे एडिटिंग, वॉइस ओवर, रिकॉर्डिंग करके, अलग अलग कंटेंट सोच के, अलग अलग टॉपिक पे वीडियो का टाइटल सोच के आप लोग के लिए अपलोड करता हूँ, तो यार फ्री में लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर दिया करो। एंड हाँ, कुछ ऐसे ग्लिचेस होते हैं जिनको अगर मैं यूट्यूब पर रिवील करूंगा, पब्लिक करूंगा, तो भाई मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है, तो उन ग्लिचेस को भाई मैं मेंबर्स ओनली करके अपने चैनल पे पब्लिक कर देता हूँ। मतलब जैसे सीरियसली बोल रहा हूँ, डबल डिवाइस ग्लिच हो गया जो रियल डबल डिवाइस ग्लिच है, या फिर लाइक ग्लिच जो भी रियल लेवल अप ग्लिच है जो मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता है क्योंकि गैलिना स्ट्राइक मार देती है उनकी, बट मैं अपने चैनल पे उन ग्लिचेस को मेंबर्स के लिए पब्लिश कर देता हूं। तो अगर आप इसको परचेज नहीं किया तो परचेज कर सकते हो, 29 रुपीज की है। एंड अगर आप लोग सिल्वर वाली मेंबरशिप परचेज करते हो तो आप लोग मेरे साथ गेम खेल सकते हो, गेम प्ले विद यू। एंड अगर आप लोग गोल्ड वाली मेंबरशिप परचेज कर सकते हो तो आप लोग के लिए अर्ली लाइव स्ट्रीमिंग होगी, आप लोग मेरे साथ वीडियो क्रिएट कर सकते हो, मतलब कोलैबोरेशन कर सकते हो सकता है। एंड यहाँ पर वही प्लेयर मेंबरशिप को परचेज करना, मतलब जो अफोर्ड कर सकते हो, आई नो आप सब अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन जो प्लेयर मतलब गेम में बहुत ज्यादा टॉप अप करता है वो लोग ही मेंबरशिप को परचेज करना। घर में ज्यादा जिद मत करना भाई मेंबरशिप परचेज करने के लिए, क्योंकि ग्लिचेस तो आपको यूट्यूब पर मिलते रहेंगे।